इंडिया को अभी एक अलग चावल को नहीं मत आने यार, बहुत बुरा लोग पता है। बात बंद कर यहाँ पे। नहीं भैया मैं तो बहुत बुरा लोग पता है साथ में। रो मत भाई, कोई बात नहीं। एक काम कर सीधे यहाँ से नहीं से थाने में चले जा। हम लेके जा रहे हैं, चल रहे हैं। हाँ थाने में चले जा। चल फोन बंद कर सारे। वो ना मारने के लिए मुझे अंदर लेकर जा रहा था ना, ऐसे ऐसे जबरदस्ती लेकर जा रहा था। हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इंडिया से या नेपाल से जिधर से भी देख रहे हो, ये जितना हो सकते उतना ये वीडियो शेयर कर देना। ऐसे कोई करता है जो नेपाल का आदमी हो, टूरिस्ट हो, अभी घूम रहा हो। वेलकम बैक। आज हम एक रिएक्शन देने वाले हैं एक नेपाली लड़के की जो इंडिया गया हुआ था और उसके साथ काफी गलत हो गया, और वो लगातार ये बोल रहा है कि इंडिया के अंदर मेरा दिल टूट गया, मिसबिहेव किया। मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन भी दिया था जिसमें इंडियन मीडिया का रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। आज हम उस लड़के का ओरिजिनल व्लॉग के ऊपर रिएक्शन देने वाले, आपके साथ शेयर करने वाले कि वो क्यों कह रहा है कि इंडिया में मेरा दिल टूट गया, क्यों इंडिया वालों ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। देखते कि इंडिया के अंदर इसके साथ क्या गलत होता है। एक 20-21 साल नेपाली व्लॉगर जो नेपाल से साइकिल के ऊपर इंडिया गया था और वहां पे घूमने गया था। तो चलिए वीडियो देखते फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि ये नेपाली लड़का क्या बोलता है और इसके साथ क्या मिसबिहेव होता है इंडिया के अंदर। वीडियो देखते हैं। ओके 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 ओके
ओके ओके ओके ओके ओके इंडिया को भी अकेले ट्रैवल करने मत आना यार, बहुत बुरा लोग पता है। बस बंद कर यहाँ पे। वो ना मारने के लिए मुझे अंदर लेकर जा रहा था ना, ऐसे ऐसे जबरदस्ती लेकर जा रहा था। हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग इंडिया से या नेपाल से जिधर से भी देख रहे हो, ये जितना हो सकते उतना ये वीडियो शेयर कर देना। ऐसे कोई करता है जो नेपाल का आदमी हो, टूरिस्ट हुआ भी घूमता हो, कह रहा सर किसी लोकल ने आगे में साफ बदतमीजी की है। वो तो नहीं पता, नहीं पता सर। क्या किया उसने? उसने ना इंडिया के ना सारे मीडिया में शेयर होना चाहिए, है ना, क्योंकि ना ऐसा दोबारा कभी भी ना हो एक ट्रैवलर के साथ। अरे सब ये जानना है तो ऐसे ना, अगर गलती नहीं होगी तो फिर तो गलत चीज है, ऐसे कोई किसी के साथ भी बदतमीजी कर दे रहा खड़े हुए। नहीं बहुत ज्यादा हुआ इस बार। चलो कोई नहीं, क्या नहीं, इस बार बहुत ज्यादा मारा उसने। मैं तो कंप्लेंट तो करूंगा ना, मैं बाहर का हूँ, कोई मुझे धमकाएगा वो करेगा तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना, जो बदतमीजी की ना आने के लिए मना कर रहा है। और गाइस मुझे ना यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो रहा है, मतलब इंडिया में ना वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ना पशुपतिनाथ में दर्शन किया है, पर वो नहीं पता दर्शन किया है मतलब आप कहना क्या कैसे है? कैसे दर्शन किया मतलब क्या किया आपने? अरे दर्शन मन से करते है, मतलब कैसे करेंगे उसके बाद पशुपतिनाथ में दर्शन किए, कैसे दर्शन होते हैं पशुपतिनाथ में? वो तो ना मालूम आपको, आप बद्रीनाथ गए? आप दर्शन किए ना जी पशुपतिनाथ में? चौमुखी दर्शन होते हैं। अच्छा, पांच मुखी होते हैं, चार मुखी होते हैं। अच्छा, आपको पता है? नहीं पता। आप कहने में दर्शन किए? वो तो नहीं पता। आप बस बंद कर यहाँ पे। नहीं भैया मैं तो प्यार से पता है ना। जी खाना भी दिया आपने, झूठ मत बोलना, सच बता। ये बोलिए मैंने पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं किए। ये मैं आपको फोटो दिखाऊं? ओके हां, आपको चाहिए क्या बोलिए वही बता। मैं तो फोन बंद कर रहा है, आप फोन बंद करने के क्यों बोल रहे भैया? मैं फोन क्यों बंद कर दूं भाई? मैं तेरे कह रहा था अपनी ओरिजिनल आईडी दिखा दे कुछ। अरे भैया मैं मोबाइल में दिखा रहा हूं ना आपको, मैं ओरिजिनल कहां लूं? मैं ट्रैवल कर रहा हूं, अगर हम तेरे से कोई तेरे को खाने खिलाए आप हम कह रहे क्या भाई आपके बारे में? आपको मैंने नेपाल के बारे में, आप कह रहे हैं नेपाली हूँ, नेपाली मूल का आदमी हूँ, आपसे पूछा कि नेपाल का आपको दस्तावेज है? मेरे तो अभी मैंने सब आईडी चीज दिखा दिया ना भैया, दिखा दिया ना। हाँ ठीक है भाई, हम ये कह रहे हैं कि आप आपको क्या चाहिए नेपाल के बारे में कुछ पूछा? आप हम कैसे मान लेंगे आप नेपाल? भैया हम उधर बॉर्डर से बिलोंग करता है, आप क्या बोल रहे? पशुपतिनाथ का दर्शन किया है, मुझे हॉटस्पॉट दीजिए, मैं फोटो भी दिखाऊंगा। फोटो भी तो कह रहा है आपके फोन में, गैलरी में था? गैलरी में तो नहीं है ना, पर मैंने वो फोटो खींचेगा, मेरे फोन है, मैं फोटो खींचूंगा तो गैलरी में होगा। भैया मेरा चोरी हो गया मोबाइल, आप यूट्यूब में देखना, मेरा यूपी में अभी अभी चोरी हो गया मोबाइल। ठीक है वो आपका नेट है, मैं दिखा दूंगा। मेरे क्यों दिखा रहा है आपने? उसमें दिखा ना, मेरे इसमें भी आ जाएगा ना। कोई बात नहीं, पुलिस छानबीन कर लेगी ना, मैं क्या बता दूं उसको।
गाइस क्या ही बताओ यार, रोक के खाना देते हैं और उसके बाद पुलिस को बुलाते हैं, क्या क्या बोलता है यार। मेरा तो इतना बुरा हालत ना लाइफ में कभी नहीं हुआ भैया। ओ पुलिस को बुला दीजिए प्लीज, वो पुलिस है ना। तो फोन बंद कर पुलिस को, हम क्या। हाँ ठीक है गाइस, एक बात बताओ ना, इंडिया को भी अकेले ट्रैवल करने मत आना यार, बहुत बुरा लोग पता है। बुरा लोग होता है साथ में। रो मत भाई, कोई बात नहीं। क्या हुआ ऊपर कोई जो, ये भाई नेपाल से है, नेपाल से आपके साथ राइड कर रहा है, तो ऊपर किसी ने इसको परेशान किया होगा, पुलिस पुलिस बुलाने लगे और कह रहे झूठा है तू। ऊपर चौकता में, चौकता में नहीं पास में, बहुत बुरा लोग है यार। भाई सुनो, आप एक काम करो, सुनो कुछ नहीं है, आप रो मत, देखो इधर सुनो मेरी बात, बदल आपका रास्ता ये है, देखो यहाँ भी चेक पोस्ट होता है, अगर कोई होता तो यहाँ होता, बट नहीं है ना। आप एक काम करो, मेरा नंबर ले लो, ठीक है, जहाँ भी होगा आप मेरे को कॉल करो, मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। और नीचे कोई नहीं, ऐसा कोई होता है गाइस, इतना बदतमीज़, इतना बुरा लोग ना कोई होता है। भाई परेशान मत हो, करते हैं कुछ। क्या हो गया? नेपाल से है भाई, साइकिल पे जा रहे हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ की ट्रिप पे। हाँ। तो ऊपर वो चोपता में किसी ने, चोपता नहीं है पास में, चोपता पे ऊपर मंडल के पास। हाँ। क्या हो गया? पता नहीं कि मुझे वो ना मेरा आइडेंटिटी मांग रहा था, मैंने सब कुछ दिखा दिया, अभी ओरिजिनल मांग रहा है, मतलब वो मैंने क्या डिनाई किया था ना, मेरे पास पासपोर्ट है, नागरिकता है, स्कूल सर्टिफिकेट है। एज कितनी है? मेरा 21। तो यहाँ पे पुलिस थाने में जाके उनकी रिपोर्ट लिखाओ, उनको रिपोर्ट करो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ वहाँ पे हुआ है, ऐसा देख सकते हो। बाइक मत ले भाई, यहीं पे रुकना। ये भाषा में आया कि नेपाली हो? आईडी वगैरह है ना? आईडी है, सब कुछ है, सब है इसके पास। उन लोगों ने ना मेरा फेस खींच के रखा है पुलिस वालों को दिखाने के लिए, मैंने ना आइडेंटिटी सब कुछ दिखा दिया, अभी ओरिजिनल मांग रहा था, मेरे पास ओरिजिनल मतलब वो मैंने कैरी किया नहीं है, डिजी लॉक में रखा है, मेरे फोन में है, सब सब कुछ है, वही नहीं समझ रहा ना, अभी वो लोग तान रहे थे, कोई करता है गाइस यार। वो लोग ना मुझे पीटने के लिए तो अंदर ले जा रहा था, बहुत बुरा लगा यार, आज तक ना कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने रोका रास्ते पर चाय पिलाने के लिए, उसके बाद खाना भी दिया, उसके बाद सब कुछ पूछा, उसके बाद ना खाना खाने के बाद मारा भी नहीं, मारा मारो था वो अंदर। मैंने कभी भी ऐसा इमोशनल नहीं रोता, पर ये सबसे ज्यादा हर्टिंग वाला पार्ट था ना, मैं तो कभी भी नहीं रोता किसी सिचुएशन में, पर बहुत बुरा हुआ। नहीं आ रही थी मैं। हाँ। रो मत भाई। रोना नहीं है। ठीक है। इतनी जल्दी भी मत नहीं आते। नहीं। अभी साल में इतने इमोशनल हो गए तो आगे तो बहुत बड़ी जिंदगी है। नहीं मैं पुलिस कंप्लेंट कराऊंगा ना। हाँ हाँ हम भी आ रहे हैं, चिंता मत करो, बुलाओ तो। उसको फोन करेंगे नीचे तक आने। ये
पुलिसवालालाई कल गरेको छ, फोटो खिचेको छ, मलाई नराम्रो मतलब मुझे नै रङ बोल्दा त मे एक फेक आदमी हो जो इधर उधर घुम रहा है वो बता रहा था। अभी मेरा तो यूट्यूब से फर्स्ट से लास्ट तक जर्नी है, उधर नेपाल का ना जितने भी मीडिया बड़ा बड़ा ना पोस्ट किया, भैया भी मिले थे रास्ते में हल्के में, कितना दिनों में है ना भैया, उसको भी पता है। वो ना एक दो आदमी मिले थे रास्ते पर, चाय के लिए पूछा, उसके बाद खाना भी खिलाया और नेपाल के बारे में पूछा, पशुपतिनाथ वगैरह वगैरह। मुझे उतना पता नहीं है, मैं काठमांडू भी उतना नहीं जाता, मेरा तो बॉर्डर है दार्जिलिंग साइड, मैं इधर घूमने के लिए आया। और मुझे बोला था तू फेक है, तेरा पास डॉक्यूमेंट क्या है, मैंने सब कुछ दिखा दिया, मेरे पास मेरा उधर का आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, उसके बाद स्कूल सर्टिफिकेट। वो बोल रहा था ओरिजिनल देखा, ओरिजिनल तो मेरे पास मेरे कैरी नहीं किया ना, क्योंकि वो खो जाएगा तो पता नहीं मुश्किल होगा ना। हाँ मेरा फोन में ऐप में है, फोटोस में। अबे मेरा ना इतना प्रूफ हो गया उधर, मैंने हिस्ट्री बनाया है उधर, बड़े बड़ा मतलब पत्रकारों ने मेरा नाम और वो वीडियो बना के रख दिया। वो ना पुलिस वाले को फोन बोला रहा था और फोटो भी खींच के मुझे बोला रहा था, पुलिस वाला नहीं आया। कहाँ पे की बात है, ये पास में वो ना मंडल आगे की सगर, नहीं मैं कह रही कोई बोले होंगे वहाँ उधर, नहीं वीडियो है मेरे पास, शौकी में नहीं, किसी लोगों ने लोकल लोगों ने किया, बदतमीजी क्या ना इसके साथ। वो ना मारने के लिए मुझे थोड़ा ऐसा भी कर रहा था, रोना नहीं है, रोते काम कर सकते हैं, यहाँ से नीचे थाने में हम लेके जा रहे हैं, चल रहे हैं थाने में, चले चल हमारे पीछे पीछे, और मैं वीडियो बना रखी हूं कि थाने वाले को दिखा देना, और मैंने बना रखा है, चल ना उनकी शक्ल है। हां है वो ना पुलिस वाला के साथ ही, मतलब पुलिस वाला को कॉल करते पहचान का है वो पुलिस वाला, फोन आया होगा ना तो वहां पता लग जाएगा, रोना नहीं है। ऐसा कोई करता है जो नेपाल का आदमी हो, टूरिस्ट हो, अभी घूम रहा हो, गैस में कभी भी नहीं रोता ना, पर ये बहुत वीडियो बना रहा हूँ वो ना मारने के लिए मुझे अंदर लेकर जा रहा था ना, ऐसे जबरदस्ती लेकर जा रहा था, इसीलिए थोड़ा इमोशनल हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बाहर का हाथ में ना मान तो नहीं मारा, पर मारने के लिए वो जबरदस्ती कर रहा था, पता पता भी की। उसके बाद उसी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया और नहीं आया, वो कॉल रहा था ना 15 मिनट में तुझे पकड़ देगा। ये कह रहा सर किसी लोकल ने आगे में साहब बदतमीजी की है उनमें साथ, कौन है वो तो नहीं पता है, नहीं पता सर कहाँ पे मंडल से गोपेश्वर साइड बीच, क्या किया उसने, उसने ना चाय पहले चाय पिलाने के लिए रोका, कहाँ पे यही पास में, कहाँ पे यही पास में, उसके बाद नाम नहीं पता सर, मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर मतलब ना सर चाय पिलाने के रुका मैं राइट में था, उसके बाद मुझे खाना भी खिलाया, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, दारू पी रखी थी उसने, दारू तो नहीं पिया था, मुझे नहीं पता, होटल होटल है किस चीज का खाने का, और उसने ना ऐसा किया, मैं राइट में सुबह से रोटी खा के आया और उसके बाद मैं राइट करके आ रहा था, मैं पहुंचने वाला था यहाँ पर, चाय के लिए रुका दिया, मुझे भूख भी लगी थी, मैं रुक गया चाय के लिए, और उसने खाना भी खिलाया और उसने मुझे पूछने लगा पशुपति वो नेपाल के बारे में, कौन सा बड़ा बड़ा मंदिर, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि ना मैं उधर दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ, दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ, उतना डिटेल नहीं पता था। एक तरफ बोलो यार, बीच रोड पे रोकते हैं क्या दिल्ली में गाड़ी, हद हो गई,
उसके बाद ना वो मुझे बोल रहा था फेंके तू तू या इधर के लोकल तो फेंके फेंक मतलब तू नेपाल का नहीं है, मेरे पास सब कुछ था, मेरा इधर का आइडेंटिटी होता है ना कार्ड, क्या बोलते हैं आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया और सब कुछ मैंने दिखा दिया। वीडियो आप लोगों ने देख ली कि किस तरीके से नेपाली लड़के के साथ जो है वो काफ़ी मिसबिहेव किया गया। एक होटल वाला, एक रेस्टोरेंट, एक शॉप वाला लगातार उसको जो है वो काफ़ी गुस्सा कर रहा है, उसको यही बोल रहा है कि भाई बैठ जाओ, क्योंकि यार इस तरीके से ये करना काफ़ी गलत है, क्योंकि आप किसी भी अनजान बंदे को या किसी भी दूसरे मुल्क के इंसान के साथ आप इस तरह मिसबिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसी तरीके से करेंगे तो फिर दूसरे लोग भी आपकी कंट्री में आने से कतराएंगे, लोग आएंगे नहीं। और ये तो 20-21 साल का लड़का था जो बाइक पे आया है, और ना तो उसके पास बैग है, ना तो उसके साथ सामान है, और सिर्फ कपड़े शायद मेरे ख्याल से उसके साथ थोड़े बहुत हैं, और वो भी आप सबको उसकी आईडी भी दिखाई, उसके बावजूद भी आप उसको कह रहे हो कि यार नहीं। बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे नेपाल के साथ इंडिया की पुलिस का भी, मुझे इंडिया की पुलिस का थोड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने जो है वो उस बंदे से सॉरी भी बुलवाया और फिर उनको जगह भी दी रहने के लिए। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यार चलो कुछ नहीं, नेपाल के इस बंदे के साथ इंडिया के लोगों ने काफ़ी बर्ताव अच्छा किया। हाँ, ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ सारे इंडियन जो है वो इस तरीके से हो सकते हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से बर्ताव करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। और वो लगातार इसको बोल रहा है कि आप कैमरा बंद करके, मोबाइल बंद करके मुझे पिक्चर्स दिखाओ, मुझे आईडी दिखाओ, और वो मना कर रहा है कि भाई आपको अगर पिक्चर्स देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाओ, आपको वहाँ पे मेरी वीडियोस भी मिल जाएंगी, मेरी पिक्चर्स भी मिल जाएंगी। बट वो नहीं मान रहा कि आप अपने मोबाइल के अंदर दिखाओ। वो लड़का लगातार कह रहा है कि भाई मेरा मोबाइल खो चुका है और उस मोबाइल के अंदर नहीं है, अगर आपको देखनी है तो यूट्यूब पे जाके आप चेक आउट कर सकते हैं, बट वो नहीं मान रहा। हाँ, जब वो लड़का नीचे आया और उस लड़के को डराया गया कि पुलिस को बुला लूंगा, वो लड़का नीचे आया तो फिर लोगों ने उसको देखा, वो काफ़ी रो रहा था, लोगों ने फिर पुलिस वालों को भी बुलाया, पुलिस वालों ने भी उसके साथ काफ़ी अच्छा बिहेव किया, पुलिस वालों ने उसको जगह दी और थाने के अंदर इसके बाद जगह भी दी, और नेपाल इंडिया के लोगों ने उसके साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव किया। बट कहीं ना कहीं वो उसका दिल टूट गया कि इंडिया के अंदर इस तरीके से हो सकता है, तो वो अगली बारी आने से कहीं ना कहीं कतराएगा, या अगली बारी आने से वो थोड़ा सोचेगा कि यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो यार ऐसे लोग हर जगह होते हैं, वो पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, वो नेपाल के अंदर भी हो सकते हैं, इंडिया के अंदर भी हो सकते हैं। बट ये एक 20-21 साल का लड़का आपको सस्पिशियस लग रहा है, मुझे तो इस बात की हैरानी लगी कि यार इतने से छोटे लड़के के साथ आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, जिसके साथ सामान भी नहीं है तो आप उसको परेशान कर रहे हो।